गाइस, गुड मॉर्निंग। अगर आप भी अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो बस मेरे बताए हुए इस तरीके से इस वाटर बॉटल का इस्तेमाल कर लीजिए। अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलेगा। चाहे आपका गलत खाने पीने की वजह से पेट बढ़ा हुआ है या फिर सी सेक्शन के बाद बढ़ चुका है या किसी भी रीजन से, तो डेफिनेटली मेरी आज की इस वीडियो को कम्प्लीटली एज इट इज फॉलो कर लें। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है और अल्टीमेट रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप डॉक्टर से एक बार कंसर्न कर लें। 3-4 मंथ्स बाद आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी वीडियो के एंड में, वो ज़रूर सुनिएगा, जो आपके वेट लॉस को काफ़ी हद तक स्पीड अप कर देगा। एक्सरसाइज के लिए आपने दोनों हैंड्स को मैट पे इस तरीके से प्लेस करना है और अपने पैरों को पीछे लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद वाटर बॉटल को अपने हाथ के पास इस तरीके से लेटा लेना है, राइट। उसके बाद में आपने क्या करना है, अपने नीज को अप करना है, इस तरीके से अपने बॉडी को होल्ड करना है। देन उसके बाद आप बॉटल को इस साइड रखेंगे, देन अदर साइड। जितने में दिखने में आपको जितना ईजी लग रहा है, जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपके कोर पर इसका कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मतलब ये टोटली आपके पेट पे काफी अच्छा खासा खिंचाव देगा, जिससे कि वहां का फैट रिड्यूस होगा। इसको करेंगे हम 20 टाइम्स और इसके करेंगे हम 3 राउंड्स। ओके, रिलैक्स। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। आपको इस तरीके से पोजीशन ले लेना है, लेग्स के बीच में शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है। वाटर बॉटल हम फ्रंट पे लेकर आएंगे, देन उसको साइड पे लेके जाएंगे, अपर बॉडी को ही मूव करेंगे, देन अदर साइड। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। आपने क्या करना है, जिस हैंड में आपका वाटर बॉटल यानी ये वेट है, डंबल भी ले सकते हैं, कुछ पार्टिकुलर नहीं है ऐसा, आप कोई भी चीज ले सकते हैं वेट के लिए। देन उसके बाद में वो हैंड आपका डाउन रहेगा, अदर हैंड आपका अप रहेगा और आपने अपनी बॉडी को इस तरीके से डाउन लेकर जाना है, जिससे कि आपके साइड पे अच्छा खासा लोड पड़ेगा। 20 टाइम्स इसे हम करेंगे, 3 राउंड्स। सारी एक्सरसाइज को हम 20 बार करेंगे, 3 राउंड्स करेंगे। आपने कंप्लीटली एज इट इज वीडियो फॉलो करना है। रिलैक्स। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको इस तरीके से लेट जाना है, ठीक है। उसके बाद में हैंड में आपने वाटर बॉटल को ले लेना है, देन उसके बाद में आपने अपने पैरों को अप करना है लाइक दिस। बॉडी को भी अप करेंगे, देन वन साइड टू अदर साइड।
20 times, 3 rounds. Relax, तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने आर्म को यहाँ पर आपने प्लेस करना है लाइक दिस। आपको अपने लेग्स को इस तरीके से फोल्ड रखना है और हिप पर आपने बॉटल को प्लेस करना है, डाउन लेकर जाना है, देन अप। Relax, other side. Okay, relax. तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं।
गाइज आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है ना तो पक्का से लाइक कर दो, शेयर कर दो। और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने एटलीस्ट पूरे दिन में 2 बार ग्रीन टी जरूर लेनी है, खाली पेट नहीं बल्कि शाम के समय 5 बजे के करीब, और लंच के बाद भी आप ले सकते हैं। टिप नंबर 2 ये है कि 7 बजे से पहले डिनर कर लीजिए, क्योंकि अगर डिनर आप लेट करेंगे और उसके बाद सोने और डिनर के बीच में एटलीस्ट 4 to 5 hours का गैप नहीं होगा तो आपका वेट गेन 100% होगा, कोई भी इसको नहीं रोक सकता। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। खुश ज़रूर रहना है, क्योंकि खुश रहना भी हमारी बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स को रिलीज करता है जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा खासा बूस्ट हो जाता है। गुड लक।